नमस्कार दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई के अंदर आप लोग कंपनी में जाते हो तो कंपनी वाले आपको बढ़िया चूना लगा करके भेजते हैं। जब भी आपकी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो तो गाड़ी में आपके 7,000-8,000-9,000-10,000 रुपये गाड़ी में लगा देते हैं। तो कितने के आपकी गाड़ी के घर बैठे आप भी सर्विस कर सकते हो, तो उसके बारे में ये वीडियो है, ताकि कंपनियाँ किस तरह से आपको लूटती है, बेवकूफ़ बनाती है, उसके लिए आप घर पे गाड़ी पे क्या क्या इसमें सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है और नॉर्मल तरीके से आप इसकी गाड़ी की सर्विस कर सकते हो घर के ऊपर। तो नॉर्मल और बढ़िया ढंग से जो सर्विस होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गाड़ी के नीचे थोड़ा सा आप एक 12 नंबर का, मतलब जो एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, उसके माध्यम से आप वहाँ से पेच को खोल करके और वहाँ से आप ऑयल को निकाल लीजिए। निकालने के बाद में पूरा ऑयल कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद में आप उसको वापस कस दीजिए उस बुल्ट को। उसके बाद में आप 1100-1200 रुपये का, 2000 रुपये का ऑयल आएगा, तो उसको आप यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ से आपका गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो डाल सकते हो। उसके बाद में आपका इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो स्क्रू, ये इसको आप ऐसे करोगे तो ये खुल जाएंगे ऐसे, तो ये दोनों तरफ से इधर भी है इधर भी है, और उधर तो थोड़ा फंसाने का है, तो वहाँ आप उसको करके इनको खोल के यहाँ पे एक एयर जो प्रेशर आता है वो आप इसमें कर लीजिए, उसको हवा मार लीजिए, या फिर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वो वाला जिसको एयर फिल्टर बोलते हैं हम, वो आप कर लीजिए। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है इसमें कि ये जो आपकी गाड़ी में जो कूलेंट होता है वो आप यहाँ से भर सकते हो इसमें से। इसके साथ ही कूलेंट प्रॉपर तरीके से, आपको ये नहीं करना कि हम कूलेंट को भर दें और उसमें पानी भी डालना पड़ता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है कूलेंट, वो जम जाता है। तो उसमें मानो कि आधा पानी और आधा कूलेंट करके आप इसमें, उसके बाद में आप नॉर्मल और कोई सर्विसेज में होती नहीं है, यहाँ से भी आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए। यहाँ पर पानी डाल दीजिए और हवा वगैरह है नॉर्मल, उन चीज़ों को चेक कर लीजिए, यहाँ पे से चेक कर लीजिए, यहाँ से ऑयल का आप कितना वो है वो चेक कर सकते हो कितना। दोस्तों, ये मेरी जो पेट्रोल की गाड़ी है उसकी सेटिंग्स बता रहा हूँ, बलेनो और गलंजा की जो पेट्रोल की वर्जन आती है, वैसे सभी में यही फंक्शन आ रहा है। ये गाड़ी स्विफ्ट का भी यही इंजन है, इग्निस का भी यही है, और सभी का यही सिस्टम है। उसके अलावा और इसमें कुछ करते नहीं है वो, मैंने खुद ने, क्योंकि है नॉलेज यार इतनी सी, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इस गाड़ी में, और ये बढ़िया ढंग से बस ये चलाते रहो। अगर आपको कोई ब्रेक वगैरह करना है तो आप वहाँ नीचे से स्क्रू को टाइट कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी छोटी मोटी सेटिंग्स को करने के लिए आपकी कंपनी आपको बढ़िया से चूना लगा देती है। जो चीज़ नहीं बदलने की होती है उनको भी कह देते हैं कि इन चीज़ों को बदलो, और फिर आपको मजबूरन बदलवाना पड़ता है, जबकि ज़रूरत नहीं पड़ती कि फालतू की छोटी मोटी चीज़ों को बदलो। और अगर आपको गाड़ी की ठंडी नहीं कर रही है तो आप खुद घर बैठे यहीं पर भी आप इस नॉब के माध्यम से एसी की जो हवा गैस है वो इसमें डाल सकते हो। यहाँ से आप एसी का जो एक क्लिप हट जाती है ये, और यहाँ से आप, मतलब एक डिब्बी आती है इतनी बड़ी, तो उसको आप यहाँ पे टच कर दीजिए, अटैच कर दीजिए और भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं नॉर्मल तरीके से। तो इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल तरीके से आप घर बैठे भी गाड़ी की सर्विस कर सकते हो। गाड़ी में होता क्या है, गाड़ी में पेट्रोल से तो खैर चलती है, मैन इसमें होता है कि ऑयल, तो ऑयल आप लोग यहाँ से भर दीजिए, दूसरा कूलेंट होता है वो यहाँ से भर दीजिए, और पानी वगैरह यहाँ से भर दीजिए, एसी में है तो यहाँ से भर दीजिए, और एयर फिल्टर उसको आप यहाँ से साफ़ कर ही सकते हो। इसके अलावा और कोई छोटी मोटी समस्या पेच वगैरह है उसको कर सकते हो, साइड में से पेच वगैरह को आप टाइम टाइम टू मतलब कसते रहिए, बढ़िया ढंग से चलाओ गाड़ी को, कोई फर्क प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। बाकी आप कंपनी में लेकर के जाओगे तो कंपनी वाले तो उसको चमका देंगे रगड़ रगड़ करके फालतू में, और वो सफाई के, एयर प्रेशर वगैरह के, इनके चार्ज बना करके आपको 7-8 हज़ार का चूना लगा सकते हो। आप घर बैठे बैठे मुश्किल से मुश्किल बहुत कम रेट में जितने आप सामान लाओ बस उतने में करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सोचो कि यार मुझे तो इस चीज़ें आती नहीं है, तो आप एक मार्केट से एक मैकेनिक उठा लाओ, उस मैकेनिक को कहो भाई छोटी मोटी ये समस्या है, ये एयर फिल्टर चेंज कर दे, यहाँ से ऑयल बदल दे, यहाँ से कूलेंट डाल दे, और ये पानी वगैरह का, एसी वगैरह का ये चीज़ें इसमें सेट कर दे। उसके बाद में कोई छोटी मोटी समस्या है तो वो जनरल तरीके से यहाँ पे घर पे ही करवा ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये छोटी मोटी चीज़ें करके आप घर पे आराम से गाड़ी का ढंग से अपने सामने, आँखों के सामने पूरी तरीके से बढ़िया चेक और बढ़िया ढंग से इसकी सर्विस कर सकते हो।